ओ हेतरो टाइम कोर्ट में तो बयान कौन दे दिनु छा मसलो कोर्ट में बयान दे दिनु के पुलिस खड़ी हुई थी मुझे बान के सब तो के धमकायो छा। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर महिला का जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। इस महिला का नाम रीना मेघवार बताया गया है। उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया और फिर मरियम नाम देकर मोहम्मद कासिम नाम के शख्स के साथ उसका जबरन निकाह भी करवाया गया। एक महिला पत्रकार ने इस महिला का वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया जिसके बाद से वायरल हो गया। रीना मेघवार ने बताया कि उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर अपने पड़ोस में रहने वाले कासिम काशखेली को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था। बाद में इस कलियुगी भाई की नीयत खराब हो गई और उसने रीना का ही अपहरण कर उन्हें जबरन इस्लाम कबूल कराया और निकाह भी कर लिया। मेघवार का एक वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं, कृपया मुझे मेरे माता पिता के पास भेज दो, मुझे जबरन यहां लाया गया है, मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई है और कहा गया है कि मेरे माता पिता व भाइयों को मार डाला जाएगा। हालांकि उसने वीडियो में धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम लेने से इनकार कर दिया। सिंध सरकार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस को जांच के आदेश दिए जिसके बाद बदन के एएसपी शबीर अहमद शेथर ने काशकेली के घर से हिंदू लड़की को बरामद कर लिया है। रीना मेघवार सिंध प्रांत के बादीन जिले में रहने वाली लड़की है। फरवरी 2021 में उसका निकाह दुगनी उम्र के कासिम से जबरन करवा दिया गया था। महिला ने यह भी बताया कि चूंकि वह मुस्लिम नहीं थी इसलिए उसका पति लगातार उसे टॉर्चर करता रहा। उसने कहा कि वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती है लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू समुदाय के स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया ताकि वो महिला को छुड़वा पाए। इसके बाद पुलिस ने महिला के पति के घर पर छापा मारा और रीना को आजाद कराया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।